एक अच्छी बात यह है कि इसमें जो बालिकाओं की संख्या है हमारे राज्य में उसमें अच्छी वृद्धि हुई है और भारत सरकार ने भी उसकी सराहना की है। लेकिन कुछ जिलों में अभी जो एवरेज होना चाहिए उसमें दो जनपदों में थोड़ा कमी पाई गई है, एक चंपावत और एक चमोली जिले, और उसके लिए विभागों को निर्देशित किया गया है, उसके लिए कहा गया है कि आप उनमें छापेमारी भी करें और जो तमाम जो जो दुकानें हैं दबाव की उसमें कई बार इल्लीगल तरीके से जो गर्भपात करने वाली दवाइयां हैं वो बेची जाती हैं, और इसके लिए उसके कहा गया कि उन दुकानों पर भी आप रेड करें, वहां पर बोर्ड भी लगे कि ये अवैध है और ये कानूनन जुर्म है और इसके लिए सजा हो सकती है। तो इस तरह के निर्देश दिए गए हैं। जो मोबाइल अल्ट्रासाउंड मशीनें हैं उस पर उसको जीपीएस करने को उसको कहा गया है कि उसको जीपीएस उस पर लगाया जाए ताकि वो कहाँ मूव कर रहे हैं वो सब जानकारी में रहे। देखिए कुछ लोगों को पकड़ा भी गया है पिछले दिनों और ये देखने में आया कि बाहर जाकर भी इस तरह के अबॉर्शन हो रहे हैं, तो उन पर निगाह रखने के लिए कहा गया है, उस पर दंड का भी विधान है, सेंट्रल एक्ट है, और स्टेट के लिए कहा गया है कि आप इस पर निगरानी रखें और साथ में अवेयरनेस जागरूकता भी इसमें होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो भी इस तरह के इलीगल एक्टिविटी होती हैं या जो कहना चाहिए कि जो कन्या भ्रूण की हत्या होती है तो उसमें अगर माताएं जागरूक रखें, माताओं को सबल बनाया जाए, वो आर्थिक रूप से अपने पैरों पर कैसे खड़ी हो सकती है, उन सारे पहलुओं पर ध्यान देने को कहा।